दोस्तों, चिट फंड ये वर्ड ना जाने आपने कितनी बार सुना होगा अब तक, कभी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में तो कभी टीवी डिबेट्स में। लेकिन हर बार इस वर्ड के साथ हमें एक और वर्ड सुनने को मिलता है और वो है फ्रॉड या स्कैम। कभी इस सिटी में चिट फंड स्कैम हुआ तो कभी उस सिटी में चिट फंड के नाम पे फ्रॉड हुआ, यह हमें अक्सर सुनने को मिलता है। आपको याद होगा वो फेमस शारदा चिट फंड स्कैम जो कि 2013 में हुआ था, जिसमें छोटे इन्वेस्टर से मनी ले लेके उनको हाई रिटर्न्स देने का प्रॉमिस किया गया था। वो लोगों से पैसा लेते जा रहे थे, बट 2012 में जब सेबी ने उनको इस काम के लिए परमिशन लेने के लिए बोला, तब उस कंपनी का असली सच सामने आया कि वो लॉस में चल रहे थे और लोगों का पैसा डूब गया। तो आखिर क्या है चिट फंड? क्या सिर्फ इसके नुकसान ही हैं? अगर ऐसा है तो फिर लोग इसे क्यों करते हैं? आइए जानते हैं चिट फंड के बारे में कि ये कैसे काम करता है और क्यों ये कॉमन सिटीजंस के बीच में इतना पॉपुलर है। चिट फंड कोई नई चीज नहीं है, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 100 साल पहले तक भी इंडिया में, स्पेशली साउदर्न इंडिया एंड ईस्ट इंडिया में लोग इसे यूज करते थे। 1930 में केरला में ऐसे 166 बैंक थे जो चिट फंड कंडक्ट करते थे। चिट फंड यूज करने में केरला मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। वो फर्स्ट स्टेट जिसने ऑफिशियली चिट फंड स्टार्ट किया वो केरला ही था। 6th ऑफ नवंबर 1969 में ये केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस लिमिटेड के नाम से स्टार्ट हुआ था। चलिए अब जान लेते हैं कि लोग इसे क्यों यूज करते हैं। अपनी डेली लाइफ में आपको बड़े अमाउंट की नीड होती है तो आप क्या करते हो? आप किसी से भाईचारे में मांगते हो या फिर इसको ऐसे बोल लो कि फैमिली या फ्रेंड से जाकर लेते हो। तो सपोज उनके पास भी इतने पैसे ना हो जितने आपको चाहिए, फिर लोन लेने की कोशिश करते हो, बट मैक्सिमम टाइम लोन नहीं मिल पाता बिकॉज हम उसकी कंडीशन पूरी नहीं कर पाते। अब ऐसी सिचुएशन में जहां पैसे की नीड भी है, ऊपर से हमारे पास कोई बड़ी सेविंग भी नहीं है, इनफैक्ट हमारी इनकम भी उतनी नहीं है कि हम उतनी बड़ी सेविंग कर पाए, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए लोग चिट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। चिट फंड क्रिएट करने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि कई सारे लोग मिलके थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके एक बड़ा अमाउंट कलेक्ट करते हैं, ताकि उन सारे लोगों में जिस किसी को भी जब भी पैसों की नीड आए उसे ये अमाउंट दिया जा सके। लेकिन आज के टाइम में ये कैसे काम करता है, इसके क्या रूल्स हैं, आइए जानते हैं। सपोज कि 30 लोगों के ग्रुप का चिट फंड बनाया गया। ये डिसाइड किया गया कि अगले 3 सालों के लिए हर कोई 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करेगा। अब 30 लोगों ने फर्स्ट मंथ 10,000 दिया तो ये हुआ 30 × 10,000 = 3 lakhs। अब फर्स्ट मंथ में ही 3 lakhs का अमाउंट कलेक्ट हो गया है। इस कलेक्टेड अमाउंट को पॉट या चिट बॉक्स कहा जाता है। अब इस बॉक्स की बोली लगेगी उन्हीं 30 लोगों के बीच में। जाहिर सी बात है कि कोई एक पसंद तो होगा नहीं कि सिर्फ उसे ही अमाउंट की नीड हो। कई लोग आएंगे, बट जो सबसे कम पैसे लेने के लिए तैयार होगा उसे ही मिलेगा ये अमाउंट, यानी कि जो मिनिमम बोली लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन 30 लोगों में से एक पर्सन 2,50,000 की बिड लगाता है और वो सबसे लो बिड है, मतलब बाकी सब ने उससे ज़्यादा की बिड लगाई है, तो उसको ये अमाउंट यानी कि 2,50,000 दे दी जाएगी, और जब वो वापस देगा तो उसको 3 lakh वापस देने पड़ेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो वीडियो को थोड़ा बैक करके दोबारा देखो, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो चलो दोबारा समझते हैं। सपोज उन 30 लोगों में से सिर्फ एक पर्सन को नीड होती पैसों की, और वो कहता इस मंथ में मुझे नीड है, और बाकी लोग सोचते हमें अभी नीड नहीं है, इस मंथ इसको लेने देते हैं, हम फ्यूचर में ले लेंगे, तो उस पर्सन को आसानी से 3 lakh दे दिया जाता। बट ऐसा तो होगा नहीं कि बस एक ही की नीड होगी। सपोज पर्सन ए को कार लेनी है इसी मंथ, पर्सन बी को फ्लैट के लिए पे करना है, पर्सन सी को एजुकेशन फी के लिए चाहिए, और पर्सन डी को मेडिकल इमरजेंसी है। पर्सन ए ने 2,90,000 की बिड लगाई, पर्सन बी ने 2,60,000 की बिड लगाई, और पर्सन सी ने 2,50,000 की बिड लगाई, पर्सन डी ने 2,10,000 की बिड लगाई, तो पर्सन डी को ये अमाउंट मिलेगा। अब चाहे तो पर्सन ए बी एंड सी और कम की बोली लगा सकते थे, बट जितना लो जाएगा आप उतना ही लॉस उठाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट में से, क्योंकि उनको वापस तो 3 lakh ही करना पड़ेगा। अब इस केस में पैसों की नीड तो सबको थी, बट शायद जिन लोगों ने ज़्यादा की बिड लगाई थी उन्हें इतनी भी ज़्यादा नीड नहीं थी कि इतना लॉस उठाएं। पर्सन डी को इमरजेंसी थी इसलिए वो 2,10,000 लेने के लिए भी तैयार हो गया। अब पर्सन डी को 2,10,000 देने के बाद बचे 90,000। अब जिसने चिट फंड स्टार्ट किया है यानी कि जो ऑर्गेनाइजर है, उसका कमीशन है 5%, यानी कि 3 lakh का 5% हुआ 15,000, मतलब नेट बचे 90,000 माइनस 15,000 = 75,000। अब इन 75,000 को 30 लोगों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा और सबके हिस्से आएंगे 2,500। तो इस तरह से सबको अपनी 10,000 की इन्वेस्टमेंट पर 2,500 का प्रॉफिट हो गया। अगर उन 30 लोगों में से कोई भी पर्सन ऐसा है जिसको किसी भी मंथ बिग अमाउंट की नीड नहीं पड़ी, मतलब अगर उसने पॉट के पैसे नहीं लिए, तो एंड में उसी पर्सन को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसको एंड तक प्रॉफिट का शेयर मिलता रहता है। और जिस पर्सन को एक बार पॉट के पैसे मिल चुके हों, जैसे डी को मिले थे, तो अब वो पर्सन नेक्स्ट मंथ ऑक्शन से बाहर रहेगा, बिकॉज कोशिश ये रहती है कि सबको ये अमाउंट एक एक बार मिल जाए।
कई लोग सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड में भी तो ऐसे ही कई इन्वेस्टर्स से पैसे कलेक्ट कराए जाते हैं। फिर चिट फंड कैसे और कितना अलग है म्यूचुअल फंड से, चलिए समझते हैं। एक्चुअली म्यूचुअल फंड वो होता है जिसमें कोई कंपनी बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करती है और उस अमाउंट को सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी, जो कि मार्केट की कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर प्रॉफिट होता है तो उसको इन्वेस्टर से शेयर किया जाता है, जिसमें हाई रिटर्न तो मिलता है बट रिस्क भी उतना ही है, क्योंकि इसमें कुछ गारंटी नहीं होती कि इतना अमाउंट तो आपका सेफ है। म्यूचुअल फंड में आपको कितना भी लॉस हो सकता है, इसलिए बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि चिट फंड कोई ज्यादा सेफ चीज है। इसको अगर सही से मैनेज नहीं किया जाता तो आपके सारे पैसे भी डूब सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपने जितना पैसा लगाया है, इमरजेंसी केस में उसे ज्यादा नहीं निकाला जा सकता। और कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स में तो लॉक इन पीरियड भी होता है, मतलब आपने जितना पैसा डाला हुआ है मैच्योरिटी से पहले उसको नहीं निकाल सकते। चिट फंड से आप पैसा बोरो कर सकते हैं एनी टाइम, और जनरली इसमें प्रॉफिट हर बार ही होता है। हाँ, कभी कभी प्रॉफिट ज्यादा आएगा, कभी कम आएगा। जो चिट फंड मैनेज करते हैं वो आपको अमाउंट की गारंटी देते हैं। चलिए इनके बीच में कुछ और डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले चार्जेस। म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स अराउंड 1-2.5% तक एनुअली चार्ज करते हैं। चिट फंड मैनेज करने वाला पर्सन अराउंड 5-10% पर एनम चार्ज करता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन। म्यूचुअल फंड्स को सेबी रेगुलेट करता है और चिट फंड्स को कोई गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट नहीं करती। अगला है सिक्योरिटी। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। चिट फंड को कोई गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट नहीं करती है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट का सेफ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चिट फंड मैनेजर आपके पैसे लेके भाग भी सकता है। और पास्ट में ऐसे बहुत से केसेस देखने को भी मिले हैं। वैसे कुछ चिट फंड्स जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट चलाती है वो सेफ हो सकते हैं। अगर प्राइवेट रजिस्टर्ड बिग कंपनीज हैं लाइक श्रीराम चिट्स, तो वो भी एक एक्सटेंड तक सेफ कही जा सकती हैं। बट जितने भी अनरजिस्टर्ड चिट फंड्स होते हैं वो सारे अनसेफ होते हैं। आए दिन उनमें फ्रॉड होता रहता है। मैक्सिमम टाइम जो ऑर्गेनाइजर होता है वही पैसे लेके गायब हो जाता है। सो चिट फंड कोई मनी मेकिंग स्कीम नहीं है जिससे आप पैसे कमाने की सोचें। ये एक मनी सेविंग स्कीम है जो इमरजेंसी फंड के लिए यूज की जाती है। अल्टीमेटली आपका डिसीजन है कि आपको चिट फंड्स में इन्वेस्ट करना है या नहीं। हमारा काम था आपको नॉलेज देना। अगर आपको करना भी है तो अपना अच्छे से रिसर्च करें और रजिस्टर्ड कंपनीज को ही ज्वाइन करें, स्पेशली जिन्हें गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सजेस्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।